हाय गाइज गुड इवनिंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया स्टडीज़ के इस सेशन में जहां पे आपको मिलने वाला है वो वुकैब का हंड्रेड परसेंट सोल्यूशन या तो आप वो वुकैब में बहुत अच्छे हो गए हैं या फिर आपकी थोड़ी तैयारी अभी और बाकी है इसी को चेक करने के लिए आपको देखना चाहिए ये सेशन क्योंकि इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं सननिम्स एंटोनिम्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस तो ये वाला जो तो सेशन है आपकी वोकेबलरी को एनहानस करेगा इम्प्रूव करेगा आपको ये बताएगा कि आप वोकेबलरी कितना अच्छा कर सकते हैं और इसके साथ ही मैं आपको बता दूँ आज रात को नौ बजे एक सेशन आ रहा है जिसको मैंने बोला है सुपर फास्ट सेशन जिसमें हम लोग करेंगे सुपर फास्टली बहुत ज़्यादा फास्ट फास्ट हम लोग करके थर्टी क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन होंगे नॉट ईजी दैट इज़ मॉडरेट टू टफ आज के क्वेश्चन का लेवल है मॉडरेट टू टफ और वहाँ पे है बहुत सारा वो कैबलरी बहुत सारा है पैरोजल बहुत सारा है एक अच्छा टेस्ट है एक अच्छा आपके लिए एक पर्सपेक्टिव है आपको चेक करने का कि कितना आप लोगों ने अपने आप को अभी तक प्रिपेयर किया है और कितना आपको अभी करना उसको बाकी है चलिए शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए गाइस अन अकेडमी लेकर आ रहा है आप सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अन अकेडमी एस एस सी चैंपियन लीग फिनाले के साथ यानी कि अगर आप इस फिनाले में पार्टिसिपेट करेंगे इस लीग में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा अच्छा क्यों होगा क्योंकि इसके साथ इस प्रैक्टिस के साथ आप अपने आप को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं आप अपनी प्रिपरेशन को और बेटर कर सकते हैं एक एग्जाम होने वाला फिनाले होने वाला थर्टीथ अक्टूबर 2020 को सुबह साढ़े दस बजे इट इज़ अ मॉक टेस्ट जिसमें होंगे हंड्रेड क्वेश्चन जिसमें उस हंड्रेड क्वेश्चन में रीजनिंग होगा जी होगा क्वांट होगा इंग्लिश भी होगा जी ए इस जनरल अवेयरनेस तो जनरल अवेयरनेस होगा क्वांट होगा रीजनिंग होगा इंग्लिश होगा इन सबका आप अपने आप को टेस्ट चेक कर सकते हैं कि आप कितने प्रिपेयर हैं और इससे अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी 60 मिनट्स मिलेंगे पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न पे बेस्ड होगा ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होंगे ऑब्वियसली अगेन मैं आपको डेट बता दूं इट इज़ ऑन थर्टी एथ ऑक्टोबर ट्वेंटी ट्वेंटी टेन थर्टी ए एम जहां पे आपको मिलेगा अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने का अपने आप को और अच्छा बनाने का एक और मौका मिल जाएगा तो जल्दी से अगर आपने अप्लाई नहीं करा है तो अप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसके साथ ही आप अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग भी जान सकते हैं और इसके साथ ही इट इज़ नॉट फॉर फ्री अगर आप अप्लाई करें तो आप एमेजन वाचर्स भी जीत सकते हैं तो अभी तक अगर आपने एनरोल नहीं करा है तो एनरोल कर लीजिए और इसको जीतने का मौका बिल्कुल मत छोड़िएगा क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको यहाँ पे चांस मिल रहा है जीतने का भी और ये मॉक टेस्ट है मॉक टेस्ट से आप अपनी तैयारी को और अच्छा और बना सकते हैं और अच्छा अपने आप को कर सकते हैं इसलिए राइट तो इसी के साथ इसके लिए अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एवरीथिंग इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके सब कुछ देख भी सकते हैं इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं हमारे क्लास में क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं फिर से आप लोगों को बता दूं एंड अन अकेडमी एस एस सी चैम्पियंस लीग फिनाले के साथ आप इसको कर सकते हैं इस मॉक टेस्ट को देकर तो जो कि थर्टीथ अक्टूबर को है आप जीत सकते हैं गिफ्ट वॉचर्स भी और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं अपने प्रपरेशन को और बेटर बना सकते हैं तो बोथ वेज इट इज़ गोइंग टू बी एडवाटेजेस फॉर यू तो यू शुड पार्टिसिपेट इन दिस जहाँ पर रीजनिंग जी क्वांट और इंग्लिश को आप टेस्ट कर सकते हैं इसी के साथ चलते हैं हमारे सेशन में आगे बढ़ते हैं आज का सेशन बहुत सारे वर्ड्स के साथ होगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है रेड टेप इट इज एन इडियम कि आपको यहां पे बताना है इस इडियम का मीनिंग आइए कहाँ चल रहा है इसमें नहीं चल रहा है रेड टेप यानी ऑफिशियल देखिए रेड टेप क्या होता है ऑफिशियल प्रोसेस होता है यानी किसी भी टाइम के प्रोसीजर में लगने वाला जो डिले होता है उसको ऑफिशियली उसको रेड टेप बोला जाता है दैट इज इट बहुत आसान सा है अगले वाले में चलते हैं जल्दी जल्दी आंसर करिए आज राइट क्या आपने मुझे मेरे पास आपका कोई इंफॉर्मेशन नहीं आया इसके बारे में आप प्लीज थोड़ा सा दोबारा पूछ लीजिए आकाश क्वेश्चन नंबर टू है बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डैलिमा बिटवीन द हॉर्न्स ऑफ अ डालिमा डैलिमा यानी कन्फ्यूजन होता है अगर आप हॉर्न्स ऑफ डिमा में हैं यानी आप कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में हैं आप प्रॉब्लम में हैं आप डिफिकल्टी में हैं तो अ डिफिकल्ट सिचुएशन या चॉइस यानी दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें से आपको किसी एक को चुनना है और दोनों तरफ ही ट्रैबल है तो ज़्यादा या कम इस तरीके से जब चुनना है तो दैट इज़ अ डिफिकल्ट सिचुएशन और चॉइस के लिए इस ईडियम को यूज़ किया जाता है नेक्स्ट हमारे पास सिनोनिम के लिए एक वर्ड है लेकनिक लेकेनिक क्या होता है लेकेनिक होता है कंसाइज कंसाइज क्या होता है कंसाइस होता है ब्रीफ यानी बहुत नपे तुले शब्दों में अपनी बात को कहना बिना उसको एग्जैजरेट करे हुए बिना उसे खींचे हुए बिना उसे एक्सेसिवली डिस्क्राइब किए हुए बहुत कम वर्ड्स में अपनी बात को कहना दैट इज़ कॉल लेकेनिक तो यहाँ पे इसके सिनोनिम को क्योंकि ढूंढना है लेंदी लॉन्गविटी से रिलेट करता है लॉन्ग से रिलेट करता है सब्सटैंशियल इज इम्पॉर्टेंट और कैम कोमाटोज कोमाटोज वर्ड हम लोग बार बार पढ़ते हैं द कॉमन फ्रेज इज कॉमन वर्ड इज कोमा और कोमाटोज यहाँ पे आ जाता है जो हमें थोड़ा सा नए वर्ड का फीलिंग करता देता है बट इट इज कोमा अगेन है ना तो कोमा का सिनोनिम होता है कोमाटोस तो ये तो नहीं आएगा सब्सटेंशियल इज इंपॉर्टेंट बट लेकॉनिक इज अनादर थिंग लेकॉनिक है तो शॉर्ट है लेकॉनिक है तो ब्रीफ है लेकॉनिक है तो स्पष्ट है क्लियर है ओके okay, तो यहाँ पे शॉर्ट ब्रीफ सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होता है उसका एग्जैक्ट क्या होता है कंसाइज होता है एक्यूरेट होता है एग्जैक्ट होता है प्रिसाइज होता है है ना चलिए इसी के साथ नेक्स्ट वाले में चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर फोर पे फोर इज यहा है overt का ऑपोजिट होता है कोवर्ट एग्जैक्टली exactly दो है ना ओवर्ट और कोवर्ट कोवर्ट और ओवर्ट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कोवर्ट में से अगर हम लोग टी हटा दें केवल है ना तो ये कवर बन जाता है तो कोवर्ट यानी समथिंग विच इज कोवर्ड विच इज कवर्ड विच इज हिडन विच इज नॉट ओपन कोवर्ट है यानी कवर्ड है और ओवर्ड को आप ओपन से याद कर सकते हो ओ फॉर ओपन ओ फॉर ओवर्ट ओपन है ओवर्ड है तो इसके बारे में सबको पता है ऑपोजिट करना है जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करिए अच्छा आप ऑलरेडी मेरे से पहले ही बता चुके हैं तो इनएक्सप्लेक्बल जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके एम्बिगियस अगर कोई चीज होती है तो दैट इज वेग दैट इज अनक्लियर जिसके बारे में कुछ नहीं समझ में आता या फिर डबल ही -E, अगर कोई बात कही जा रही है डबल मीनिंग वाली कोई बात कही जा रही है दैट इज एम्बिगियस Concealed क्या होता है? है, है, है। तो हो गया। है clandestine है, है। तो ये सारे इसके होते हैं। तो ये इसका राइट right आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोवर्ट का ही सेनानिम है ये और ओवर्ड का एंटनिम है तो ये दोनों मैनिफेस्ट करना डिस्प्ले करना प्रेजेंट करना शो करना दिखाना राइट right? चलिए इसी के साथ अब चलते हैं ऑप्सक्योर होगा एमबीबीएस बिल्कुल सही है अब चलते हैं फाइव नंबर पे मैं आपको बता दू फिफ्टीन सेशन में और ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी से करें है ना ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे पर हाँ ज्यादा टाइम ना लगा इसका ये मतलब नहीं भागना है हर वर्ड के जितने सुनाने आते हैं उतने आप लोगों को लिखना है ये आप लोगों का एम होना चाहिए कि आप लोगों के वर्ड्स आप लोगों के लिए हो रहा है ये सेशन नॉट फॉर मी तो सिर्फ आंसर देना आपका एम नहीं होना चाहिए देर आर फाइव वर्ड्स यू हैव टू बी क्लियर इन है फाइव वर्ड्स सारे पांच के पांच वर्ड्स आपको आने चाहिए जिसमें से एक तो सिनोनिम हो ही जाता है आउटरेजियस है आउटरेजियस अगर कोई चीज होती है तो कैसी होती है लाउड होती है अगर लाउड होती है तो नॉइजी भी होगी नॉइजी भी होगी लाउड है नॉइजी है तो ये तो आपस में सिनोनिम हो गए यानी कि ये हमारा कट गया है है ना 9 पीएम वाला सेशन डेली होगा आज तो होगा कल का नहीं पता हो सकता है। कल मुझे कुछ और आइडिया आ जाए तो कुछ और हो लेकिन वो सेशन बहुत अच्छा होने वाला है 9 पी जो आ जाने वाला है दैट ऑज फेंटास्टिक बहुत अच्छा होगा अगर मैंने जैसा बताया आप लोगों को कि 9 पी वाला जो सेशन होगा उसमें दैट इज नॉट एट ऑल इजी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रखा है मैंने कि बहुत हो गया इजी अभी थोड़ा सा और पढ़ने का समय है क्योंकि आपके पास तो अच्छा पढ़े राइट इसको लेके मैंने नाइन वाला सेशन बनाया है तो प्लीज गो फॉर इट राइट चलिए यहां एंटो होना चाहिए क्यों यहां पे सिनोनिम पूछा तो है आउटरेजियस यानी शॉकिंग शॉकिंग यानी समथिंग इज इज समथिंग अनप्लेजेंट जो कैसा लगे हॉरेबल सा लगे मै कैबर भी बोल सकते हैं क्योंकि हॉर्बल आ रहा है हॉरेबल है हीनस होता है क्राइम होता है ना तो तोनस है बैड है अनप्लेजेंट है फिल्दी सा डर्टी सा शॉकिंग सा और ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम होंगे आकाश क्या बोल रहे हैं हमको नीला कर दो इज नीला पीला आई डोंट नो अबाउट दिस अच्छा वो जो सर करते हैं एक्चुअली है, उनका डिपार्टमेंट है आई विल विल जस्ट सेंड योर मैसेज टू हिम एंड ही डू इट ओके अगर उनको अच्छा लगा तो वो कर देंगे नेक्स्ट वाले में चलते हैं हैंजियस हो गया नेक्स्ट इज लिथार्जिक आपको इसके जितने सुनाने में आते हैं ना लिखो जल्दी से क्योंकि ये वो वर्ड है हाँ फेरोशियस ठीक है ये वो वर्ड है जो हम लोग एवरी डे करते हैं लाइक और अमला ऑलमोस्ट एवरी डे करते हैं तो इसका आपको मानना चाहिए अलथार्जिक है इनएक्टिव है इलेटेड है थ्रिल्ड है जाउंस है सबसे पहले हम जाउंस वर्ड कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा ये नया है जॉन्स जॉन्स वर्ड क्या होता है जॉन्स वर्ड क्या होता है जॉन्स होता है किसी से आपने अचानक से टकरा गए हिट हो गए या फिर कोलाइजन हो गया या जॉल्ट हो गया है ना जॉल्ट हो गया यानी टकराहट कोलाइजन हो गया यानी टकराहट तो आपका कोलाइजन हो जाता है किसी से टकरा जाते हैं हिट हो जाते हैं है ना या बाउंस हो जाता है कोई चीज ऊपर आ जाती है तो आटस हम्म हाँ, लिखने जाना है ए वे मत लिखो बेटा मुझे पता है आंसर आते हैं लेकिन वर्क, तो हम इलेटेड हैं हम थ्रिल्ड हैं हम एक्साइटेड हैं हम जॉयस हैं हम एंथुजियास्टिक है हम जीलस हैं ऐसे सारे वर्ड्स लिखते जाइए ठीक है तो ये सारे इसके सेनाने होते जाएंगे इनएक्टिव है लिथार्जिक है आप इनएक्टिव हैं तो आप

राइट right? तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सेशन है परसों जो सुबह आ रहा है वन वर्ड का कल मिस स्पेल्ट का सेशन आएगा सुबह सुबह जरूर से लीजिएगा उसको राइट चलिए नेक्स्ट वाले में चलते हैं सिक्स नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया है सेवन पे चल रहे हैं सेवन इज य किसी का थंडर चुरा लेना वॉट इज थंडर थंडर इज़ क्या अचानक बिजली चमकती है और सब उससे शॉक हो जाते हैं डर जाते हैं ये सबके लिए वो शॉकिंग होता है किसी को प्लेजेंट लगता है किसी को अनप्लेजेंट लगता है तो एक मिक्स सी फीलिंग देता है ठंडा है ना यानी किसी का वो चीज़ चुरा लेना जो उसको प्लेजेंट लगे जो उसके लिए वो बहुत प्रिपे हर रोज थोड़ी ठंडा होता है दैट वाई इट इज स्पेशल तो किसी की स्पेशल कोई चीज़ चुरा लेना यानी कि किसी का कोई ना इम्पॉर्टेंट uh, जैसे आपने कोई फाइल प्रिपेयर की कोई पीपीटी प्रिपेयर की कोई आपने यू uh, नो you know, आइडिया प्रिपेयर किया और आपको कल प्रेजेंटेशन देना है रात को आपकी फाइल चोरी हो जाती है और सुबह आपके पहले कोई उसको प्रेजेंट कर देता है इसका मतलब योर आइडिया हैज़ बीन स्टोलिन टेक क्रेडिट फॉर समथिंग सम वन एल्स डिड काम तो किसी और ने किया और आप क्या ले गए क्रेडिट ले गए भाई मैंने किया है दिस इज कॉल्ड सम किसी का आइडिया चुराना मैक में नंबर मॉक में नंबर क्यों इंक्रीज नहीं हो रहे हैं सबसे पहले तो बताइए कौन सा मॉक दे रहे हैं कितने नंबर आ रहे हैं ये दोनों चीज बताइए तब मैं आपको आंसर दे दूंगी राइट चलिए तो राइट आंसर हमारा हो गया सेवन नंबर का ए एट नंबर पे चल रहे हैं एट नंबर इज नैप नैप मने क्या होता है नैप मैने क्या होता है कैटनैप अब नैप और कैटनैप तो एक ही बात हो गई तो क्या हो गया नैप लेना या कैटनैप लेना क्या होता है नैप ले रहे हैं कैटनैप ले रहे हैं और ट्वेल्थ का स्टूडेंट है स्टूडेंट हैं भी पढ़ पढ़ तो सभी सकते हैं पढ़ने की वैसे भी कोई उम्र नहीं होती और अगर मैं सनाने में एंटेनिम बता रही हूँ तो, तो कोई भी पढ़ सकता है, है ना तो आप अगर किसी की प्रिपरेशन आगे करने वाले हो तो इट इज गोइंग टू तो बी हेल्पफुल टू तो यू अभी से ही करें बहुत अच्छा है आप सबसे हैं वरना बहुत सारे ट्वेल्थ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि आगे हमें करना क्या है हाँ स्नोर है स्नोर करना क्या होता है खराटे uh, लेना होता है सी एस्टा इज कैट नैप सी इज नैप नैप लेना क्या होता है शॉर्ट स्लीप दैट रिफ्रेश यू दैट रिजनेट्स यू दैट री एनर्जाइज यू तो जो आपको एनर्जी दे जो आपको uh, बहुत ज़्यादा रिफ्रेश कर दे वो होता है नैप एक झपकी को बोला जाता है कि बीस मिनट का एक नैप अगर आपने ले लिया तो दैट मीन्स आप एकदम से Siesta? Siesta है न, ये ना न, siesta. Siesta कोई कैटनैप बोला जाता है डोज Do, uh, बोला जाता है ठीक है डोजिंग डोजिंग यानी कैटनैप लेना झपकी लेना एक छोटा सा स्लीप शॉर्ट स्लीप बोलते हैं इसको है ना शॉर्ट छोटी सी नींद लेना यानी कि एक झपकी ले लेना देट रिफ्रेश यू जो आपको रिफ्रेश कर दे रि कर दे अच्छे से राइट right? चलिए ये हो गया हमारा sneeze. स्नीज स्नीज क्या होता है छीकना स्नीज करना ही नहीं, होता है तो दिस इज डिफरेंट पर हाँ आ जाते हैं ऐसे डिफरेंट वर्ड भी राइट नेक्स्ट हमारा जो यहां पे वर्ड है नेप ये नेप वर्ड है ना इसके एग्जाम में आ जाते हैं या तो खुद आ जाता है नेप या फिर आ जाता है रियर या फिर आ जाता है बैक है 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 आ आ आ जाता है, रियर आ जाता जाता या या पीछे पीछे वाला बैक मिरर होता है, रियर मिरर होता है, उसी को बोलते हैं तो है, 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 है यानी है, या वाले के लिए बात कर रहे हैं टेस्ट बुक में 156 आ रहे हैं राखी देखिए जी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ एवरी बॉडी ऑफ यू कि ये जो टेस्ट बुक है थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ आ रहा है वहां पे टेस्ट और वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आई थिंक ऐसा वो लोग करते हैं थोड़ा सा इरेलीवेंट भी हो जाता है कई बार लेकिन ऐसा होता है कि मेन्स वो लोग एक साथ बना देते हैं तो वो वहां पे अगर इतने आ रहे हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे लेकिन 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 अगर ऐसा लग रहा है कि स्कोर कम हुए जा रहे हैं लगातार तो आप थोड़े दिन इसको अवॉइड भी कर सकते हैं मॉक मत दें राइट चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं और एट हो गया है नाइन क्वेरलिस बताइए जल्दी से क्वेरुलिस का ऑपोजिट होगा क्वेरलिस कौन होता है बेलिजोरेंट uh, कॉयस कौन होता है Hostile, जो लड़ने में एकदम हो, उसी के तो कॉरस बोलते हैं अब का हमें क्या करना है हमें ऑपोजिट करना है स्पेसिफिक है, 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 है या ऑड है ऑकवर्ड है ये स्ट्रेंज के सनाने होते हैं स्ट्रेंज यानी क्या होता है अजीब या फिर अनोन है ना एक स्ट्रेंज होता है strange सा लुक दिया उसने अजीब सा लुक दिया एक तो वो होता है और एक होता है अनोन है ना ही इज स्ट्रेंजर टू मी या ही इज अन नोन टू मी आई डोंट नो हेम तो दो मीनिंग होते हैं जो वियर्ड वाला होता है ना अजीब वाला उसके लिए ये सारे सेनानिम होंगे अजीब है वियर्ड है पैक्यूलियर है ऑड है ऑकवर्ड है ये सारे इसके सेनानिम हो जाएंगे अब हमें क्या करना था भूल गई मैं ऊपर वर्ड क्या दिया हुआ है वर्ड दिया हुआ है क्वेरलेस फाइटर है ना जो लड़ने में एकदम एक्सपर्ट हो बेलीजरेंट हो पगनाशियस हो बेलिकोज हो ठीक है आ, तो क्या होगा स्ट्रेंजर जिसको आप नहीं जानते स्ट्रेंज strange, स्ट्रेंजर तो एक जैसा हो गया आंसर रेवल जो जिसको जवाब दिया जा सके और अनकम्प्लेनिंग जो बहुत बिल्कुल काम है पीसफुल है ट्रैंकुलाइज्ड है शांत है बंदा कभी कंप्लेन नहीं करता है कभी कोई शिकायत नहीं करता है लड़ने में एक्सपर्ट नहीं है तो ये इसका अंत हो जाएगा राइट नाइन बी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे टेन नंबर पे इनोक्स है जल्दी से बताओ इनोक्स क्या होता है परनिशियस क्या होता है फाइन क्या होता है स्ट्रॉन्ग क्या होता है हाइजीनिक क्या होता है सबके सुनाने आपको बताने हैं क्योंकि ये आपका टेस्ट है और आपको अपने आप को चेक भी करना है चलिए चलते हैं हेलो हाय हाउ आर यू एवरीबॉडी जिन लोगों का भी सी हो गया है वो लोग तो एकदम भूल ही गए हैं अब आना आना तो है ही नहीं क्योंकि अब हमारा सी एग्जाम हो गया अब हम रेस्ट करेंगे है ना तो हमारे सेशंस अब बेकार हो जाएंगे आप लोगों के लिए ये कभी काम नहीं आएंगे क्या मुझे लगता है जब तक हमारे पास कोई दूसरा एम नहीं है तब तक पढ़ना कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि पढ़ना कभी वेस्ट नहीं होता है चलिए हाँ एक क्लास आई थी कल रात को उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लें क्या कल रात को हम मैंने एक सेंटेंस वाला क्लास लिया था सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का हैव यू सीन दैट सेशन दैट इज़ अ वंडरफुल सेशन आई वुड से क्योंकि वो मुझे ऐसा लगा एक तो क्वेश्चन बिल्कुल टाइट थे टाइट थे इसका मतलब मेंस के थे तो एकदम स्पेस नहीं था वहाँ पे कि आप किसी भी ऑप्शन को मिस कर दो तो बहुत सारा एक्सप्लेनेशन था वहाँ पे बहुत सारे कम कॉम ये थे आ, Concepts थे जो वहां पे मैंने पढ़ाए हैं तो वो सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे तो आई गेस अगर आपने नहीं देखा तो आप लोगों को करना चाहिए देखो वर्ड्स भूल जाते हैं ना दिलीप आप कह रहे हैं वर्ड्स भूल जाते हैं तो वर्ड्स भूल जाते हैं तो एक काम करिए वर्ड्स को रटना बंद कर दीजिए वर्ड्स को याद मत करिए वर्ड्स को केवल रिवाइज करिए ये तो कर सकते हैं जैसे सेशन देखा अभी है ना अभी देख लिया अगर इसी सेशन को आपने आठ बजे एक बार और देख लिया तो इस सेशन में जितने भी वर्ड्स हो जाएंगे ना वो आपके इधर बैठना शुरू हो जाएंगे एक बार और देख लो इसको आप बहुत सारे तरीके अपना के देख चुके हैं वर्ड्स को याद करने के नहीं हो रहे एक बार ये भी अपना लो और अगर इसी को ही करना अगर आपको इसको समझ में आ गया कि यस इससे हो रहा है तो एक काम और कर दो जो हमारा वो कैब मैंने स्पेशल करवाया था लॉकडाउन स्पेशल वो कैबलरी वहां पर

कल वाले सेशन की बात कर रहे हैं आप लोग हाँ मैं भी यही कहूंगी वन ऑफ द स्पेशल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस में से एक था वो तो इम्प्रूवमेंट का सेशन अगर आप लोगों ने नहीं किया तो प्लीज 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 गो फॉर इट ओके चलिए आइए आगे चलते हैं यहाँ पे इनोक्विस हमारा वर्ड था इनोक्विस क्या होता है और पर्निशियस क्या होता है ये दोनों आपस में क्या है एंटोनिम है इनोक्स क्या होता है हार्मलेस जो आपको नुकसान ना पहुंचाए और परनिशियस क्या होता है हार्मफुल जो आपको नुकसान पहुंचाए दोनों का आप लोगों को मुझे बताना था हैव यू टोल्ड मी दिस कि आप लोगों ने मुझे बताया सी का एग्जाम इस जन्म में होगा क्या ये डिपेंड करता है आपका जन्म कितना लंबा है ओके okay? उस पर डिपेंड करता है तो अगर आपको पता है तो हो सकता है हो जाए और नहीं भी हो कुछ नहीं पता चलिए आगे बढ़ेंगे इनौक्विस पे इनौक्विस होता है हाम्लेस, हाम्लेस है, है, तो है, सेफ है है ना? सेफ है 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 तो ना यानी कि आपके लिए बिल्कुल सिक्योर है है ना आपके लिए कैसा है नॉन डेंजरस बोल सकते हैं अगेन है तो हार्मफुल है हार्मफुल है तो डेंजरस है डेंजरस है तो ऊपर नॉन डेंजरस आ सकता है राइट पेरिलस भी बोलेंगे इसको जो एग्जाम में वर्ड आते हैं वो मैं लिखवा रही हूँ पेरिलस आता है इसका इनोक्वेस आता है परिशियस तो अपोजिट ये रहा परिशियस है हार्मफुल है राइट ये सब आता रहता है चलिए तो आंसर तो मिल गया है स्ट्रांग है तो कैसे हैं रोबस्ट हैं रोबस्ट हैं स्ट्रांग है पावरफुल है, robust है, है, है सा। और क्या है सेलिवरियस होता है हाइजीनिक है हाइजीनिक है एंड क्लीन है क्लियर है राइट चलिए एंटी एंटीपीसी और एन टी और क्या बोल रहे हैं सीएचएसएल में ही कंफ्यूज हो क्यों इसीलिए तो मैंने बोला दो साल हो गए एनटीपीसी अभी तक तो हुआ नहीं एक साल और निकल ही जाएगा आराम से ऐसा नहीं है ऐसा लग रहा है कि अब तो एग्जाम्स होंगे ही एग्जाम इंग्लिश का क्या करूं सिर्फ इंडिया स्टडीज पे अगर आ गए और इंग्लिश नहीं सीखे तो फिर फिर वेस्ट हो जाएगा इंडिया स्टडीज तो ऐसे मत करो यहाँ पे अगर आ गए तो इंग्लिश को शिद्दत से बस अपने मन में एक लगन ले आओ कि मुझे इंग्लिश करना है और लगन नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं फाउंडेशन क्लास देख लो एक बार फिर लगन भी आ जाएगी पढ़ना भी आ जाएगा वो हो सब कुछ कर लोगे राइट चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट हमारा क्या है हो गया, बैलीजरेंट अरे एक जैसे वर्ड्स आ गए बैलीजरेंट का सनने में बैलीजरेंट का सनने क्या होगा पीसफुल इसका अंटाने है नॉइजी यानी शोर मचाने वाला कॉशियस यानी अलर्ट है अवेयर है अवेयर है कल, अलर्ट है और क्या है आ, कॉशियस है अलर्ट है अवेयर है केयरफुल है ये सारे वर्ड इसके हो जाएंगे नेक्स्ट वाले में चलते हैं हॉस्टाइल हॉस्टाइल यानी क्या होता है लड़ने वाला झगड़ने वाला कॉल सेम ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे नॉइजी है यानी शोर मचाने वाला है और पीसफुल इसका क्या हो जाएगा एंटानम हो जाएगा तो यहाँ पे एंटानिम पूछा नहीं है सी इसका राइट आंसर होगा इलेवन क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है ट्वेल्व में आते हैं स्पैर्स है थिन है स्कैंट है अबेंडेंट है मेगर है, है जल्दी से आंसर बताएंगे आप इसका जल्दी से बताओ आंसर बताओ हाँ मुझे भी ऐसा लगता है एन इस बार हो जाएगा मज, जोक सपाट ठीक है मजाक की बात अलग है लेकिन होगा होगा इसी जन्म में होगा और जल्दी ही होगा राइट चलिए बिल्कुल सही है आप आ, मुझे लगता है देखो इंग्लिश तो प्रिपरेशन इसलिए भी अच्छा होता है क्योंकि इंग्लिश की प्रिपरेशन से हम अपने आप को अपने आप की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा अच्छा आ, फील होता है ख़ुद को अच्छा लगता है अगर इंग्लिश आता है इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इट गिव्स यू कॉन्फिडेंसेंस राइट तो इंग्लिश सीख लिया है तो आप इस पर सी एच ही आगे बढ़ो एन टी पे और फिर आप देखो प्रपरेशन के हिसाब से आपका क्या बेहतर है उस हिसाब से बाकी मेरा सब्जेक्ट है तो मैं बोल भी सकती हूँ बिल्कुल नहीं पी डी विद आंसर्स बिल्कुल नहीं मिल सकते हैं आपको पता है आई एम द ओनली वन वर्किंग हियर तो मेरे पास टीम नहीं है पीडीएफ पे आंसर देने की ठीक है फिर भी हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि आगे थोड़े दिन बाद से आपके पास आंसर के साथ ही आए पीडीएफ ठीक है कोशिश कर रहे हैं हाँ स्पार्स मतलब क्या होता है स्पार्स होता है स्पोराडिक स्पोराडिक क्या होता है पहले तो स्पोराडिक समझ लेते हैं स्पोराडिक होता है इररेगुलर इरेगुलर कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम राइट ये होता है स्पोराडिक बारिश होती है स्पोराडिक स्पार्स यानी क्या होता है कम कमी ठीक है कमी होती है थिन है इसका सिनोनिमस स्कैंड यानी कमी होती है अबेंडेंट इसका क्या है ऑपोजिट अ लॉट्स ऑफ नीगर यानी क्या होता है कमी डेस्टिट्यूट कमी होता है ना डेस्टिट्यूट इसलिए तो ये सारे तो इसके सुनाने में हो और ये इसका एंटनी है और एंटनी पूछा गया तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अभी से सीजल 2020 के लिए क्या करें अगर सीजल 2020 ट्वेंटी टारगेट तो वो कैबलरी पर काम कर लो सबसे पहले बहुत टाइम है अभी वो कैबलरी को कितना इंप्रूव कर सकते हो उतना करो ग्रामर का अगर आपके पास टाइम है तो आप ग्रामर की जो वीडियोज़ अवेलेबल है वो देख लो ग्रामर में वैसे भी दोबारा से पढ़ाऊंगी पर हाँ दोनों चीज़ अगर अभी एडवांस में प्रिपेयर करके रखोगे तो बहुत अच्छा आप लोगों का तैयारी हो जाएगा राइट चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 हमारा खत्म 13 पे क्लैंडेस्टाइन आ गया है क्लैंडेस्टाइन यानी क्या होता है क्लैंडेस्टाइन डेट इस तरीके से ये वर्ड हमेशा याद रहता है वो तो ठीक है लेकिन पीडीएफ दे, देखने से सॉरी वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट्स भी रिवाइज होते हैं मुझे ऐसा लगता है अगर फास्ट फॉरवर्ड करके आप वीडियो देख लें तो वो ज्यादा बेहतर होता है वी विल ट्राई बट है हाँ? ना चलिए ये वाला क्वेश्चन है क्लैंडस्टाइन क्लैंडस्टाइन क्या होता है सीक्रेट और सीक्रेट है हिडन है ठीक है सीक्रेट है हिडन है कोवर्ट है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है राइट और यहाँ पे है डेस्टिट्यूट डेस्टिट्यूट वर्ड अभी आ ही गया पढ़ लिया था हमने कमी होता है इन दोनों आपस में क्या है अपोजिट हो गए दोनों से नहीं, होता ही है आपको पता है right, what is fourth right? Fourth right, अगर कोई person होता है तो वो कैसा कहता है वो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा कहने वाला बंदा कोई बात छुपा के ना रखे स्ट्रेट फॉरवर्ड है फ्रैंक है ओपन है क्लियर है ध्यान से देखिएगा थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा टेढ़ा है ये क्वेश्चन ओपन है फ्रैंक है क्लियर है यहाँ पे कैसा है सीक्रेट है हिडन है कोवर्ड है अनक्लियर है तो अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ ये ठीक है ये क्या हुआ अपोजिट हो गया तो राइट right आंसर क्या होगा फोर्थ राइट right, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑपोजिट ही पूछा है 13 question, done. 14 पे चल रहे हैं bashful. If a person is bashful, तो वो कैसा होगा इसका तभी आएगा जब आपको बैशफुल का मीनिंग आता होगा भाई जो लेट आते हैं उन सबका वेलकम इंडिया स्टडीज के फैमिली हो और हमारे फैमिली का हिस्सा हो इसलिए स्वागत तो मैं कर देती हूँ आपका लेकिन आपको देर से आने में थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए टाइम पे आना चाहिए ब्रॉड माइंडेड है तो कैसा है ओपन है ब्रॉड माइंडेड है स्ट्रेट फॉरवर्ड है फोर्टनाइट अभी जो आया था फोर्टराइट है करेजियस है स्ट्रांग है पावरफुल है बोल्ड है राइट right? एक्सट्रोवर्टेड है यानी सोशिएबल है अफाबल है एमिएबल है एमिकेबल है है, और शाय है शाय है यानी कैसा है मीक है शाय शाय है कैसा है modest है Shy है 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 Difident है यानी 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 कैसा मीक कॉन्फिडेंस की कमी है यानी कैसा है इंट्रोवर्ट भी कहलाएगा अब यहाँ पे हमें बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं पर मैं लिख नहीं रही हूँ इसका बैशफुल भी एक सनानी होता है कि नहीं होता है तो राइट right आंसर क्या हो जाएगा बैशफुल इसका राइट right आंसर हो जाएगा राइट right? तो इसी के साथ फोर्टीन भी हमारा हो गया है अब चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीज दैट इज प्लाइबल वॉट इज प्लायल अगर कोई चीज प्लाइबल है तो वो कैसी है रिजिड है क्या जद्दी है क्या नहीं फ्रेंडली है क्या मे uh, बी पता नहीं एप्लीकेबल है या फ्लैक्बल है जल्दी से आप ही आंसर बता देंगे शाई है क्वाइट है रिजर्व है सबमिसव है मॉडेस्ट है राइट बिल्कुल सही बात है यू आर न्यू टू दिस चैनल ओके पूजा आप प्रीवियस ईयर देखें सबसे पहले अगर नए आए हैं तो प्रीवियस ईयर देखेंगे आपको प्यार हो जाएगा इस सेशन से सॉरी इस चैनल से इस प्लेटफॉर्म से क्योंकि इतने प्यारे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता कहीं पे भी इसलिए हाँ क्या होगा रिजिड होगा अच्छा 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 ऑपोजिट पूछा है क्या मैंने देखा नहीं मैं डांटने वाली थी तुमको कौन बोला ये आकाश ने बोला देखो प्लायबल क्या होता है अगर आप प्लायबल हैं तो आप कैसे हैं आप चेंजेबल हैं मतलब आप कैसे हैं मोल्डेबल हैं आप चेंज हो जाते हैं आप एडजस्टेबल हैं है ना आप एडजस्ट कर लेते हैं आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ढल जाते हैं तो आप चेंजेबल हो गए आप एडजस्टेबल हो गए आप मोल्डेबल हो गए आप परिवर्तनशील हो गए ओके तो आप कैसे हैं Flexible है, एडजस्टेबल है आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ढाला जा सकता है Applicable तो suitable app to appropriate, uh, fitting, befitting वो होता है, Friendly है, sociable है, है, amiable है, amicable है, वो सारे वर्ड्स होते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रिजिड वॉट इज रिजिड रिजिड है तो बंदा कैसा है फिक्स है बदलना ही नहीं चाहता है कई लोग होते हैं ना नहीं, नहीं नहीं मैं तो यहाँ से पढ़ूंगा ही नहीं क्या अच्छा है कितना भी अच्छा पढ़ा दे वो होता है रिजिड फिक्सन और कैसे होते हैं ऑब्स्टिनेट, राइट तो ये सॉरी बी होगा ये तो ये सारे वर्ड्स क्या है इसके सनाने होते जाएंगे अब इतने मैंने बता दिए हैं और एक दो तुम भी बताया करो ऐसे नहीं चलता है वन साइडेड थोड़ी ना होती है कोई भी स्टोरी राइट right? कोई भी स्टोरी वन साइडेड नहीं सक्सेसफुल होती तो अपने आप को इसके अकॉर्डिंग भी बनाया करो जितने वर्ड्स में यहाँ लिखू कोई नया वर्ड तो आपके सामने आ नहीं रहा है जब तक नया नहीं आ रहा तब तक आप सारे बताओ जैसा कि आज शाम का सेशन है आज शाम का सेशन है मॉडरेट टू टफ Easy शब्द नहीं है वहां पर ईजी आपको लगेगा तो सिर्फ ग्रामर का सेशन लगेगा वो भी इसलिए क्योंकि ग्रामर मैंने आपको इतना पढ़ा दिया दिमाग में बिठा दिया रच गया दिमाग में तो हो सकता है है फटाफट से आ जाएं. लेकिन लेकिन हाँ, मुझसे मिस हुआ था वर्ड हाँ लेकिन लेकिन, लेकिन 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 बाकी चीजों के लिए आप कहेंगे जो बहुत सारे हैं हाँ ऑलरेडी आप फ़ैन बन गए हैं थैंक यू वेरी मच पर हाँ आप फ़ैन बने रहिए वीडियोस को वीडियो जो अच्छा लगे वो पर्सनल टच के साथ शेयर करें एक बार ज़रूर अपनी तरफ से एक लाइन लिख के दे जैसा आपको वीडियो लग रहा है जैसा आपको फील आ रहा है उसके साथ अगर आप लिख कर देंगे तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा माही क्या बोल रहे हैं मे बी बेटा मेरे से मिस हो गया हो मे मे बी बी मिस हो गया बिल्कुल सही आपने बताया मैंने देखा नहीं बेंड है flexible, बिल्कुल आपने बोला है हाँ रात को नौ बजे आज रात को नौ बजे आने वाला है एक सुपर फास्ट सेशन आप सबके लिए थर्टी क्वेश्चन है सुपर फास्ट इसलिए बोल रही हैं क्योंकि रोज हम ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन करते हैं जिसमें एक पैसेज भी होता है आज में पैसेज नहीं है क्लोस्टर्स नहीं है उसके अलावा भी वो सेशन बहुत ज्यादा अच्छा मतलब तो फिर भी वो कोई सेशन बहुत जल्दी उसी समय में खत्म हो जाएगा लेकिन उसमें मेंस के क्वेश्चंस है वो मॉडरेट टू टफ है लेकिन अब मैंने बोल दिया मेंस के क्वेश्चन तो स्टेनो सीपीओ वाले सोचेंगे हमारे लिए क्या क्योंकि मेंस वाले क्वेश्चन एज एजटस सीपीओ में रिपीट होते हैं वो कैबलरी एजटस एस्टैनो में आ जाती है कंसेप्ट स्टैनो में ज्यादा खतरनाक आते हैं ग्रामर में तो यू नो वेरी वेल कहाँ स्टैंड करते हैं आप है ना तो आप लोगों को बहुत देखना चाहिए चलिए इसी के साथ अब मैं सेशन को ओवर करती हूँ बहुत ज्यादा समय हो गया है पूरे पंद्रह के पंद्रह क्वेश्चंस हो गए वो का ये सेशन बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को क्योंकि मैंने ये वो अभी इस समय लेना शुरू किया है ग्रामर का सेशन सुबह दस बजे आ रहा है और कल सुबह नौ बजे आपको मिलेगा मिस स्पेल्ट का तड़का इतने सारे मिस स्पेल्ट वर्ड्स करेंगे हम लोग कल एक साथ तो कल के सेशन को आप लोगों को मेरा साथ देना है सुबह नौ बजे हम मिलेंगे फिर हम सुबह दस बजे मिलेंगे फिर हम शाम को पांच बजे मिलेंगे और फिर हम रात को नौ बजे मिलेंगे और मैं प्लान कर रही हूं एक क्लास जहां पे सीपीओ के सारे ग्रामर के क्वेश्चन हो कॉमन एरर और मैं प्लान कर रही हूं कॉमन एरर तो अगर आप मेरे साथ हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको सीपीओ और स्टैनो के भी कॉमन एक साथ में ए, ये इंप्रूवमेंट एक साथ में चाहिए क्या तो फिर बताइएगा तो हम लोग करेंगे राइट हरगोविंद कह रहे मेरा क्या होगा एवरीथिंग विल बी गुड सब कुछ अच्छा होगा बस आपको उतनी मेहनत करनी है जितने आपको लगे कि मेरे लिए जरूरी है इतना सा भी कम यानी इतना सा पीछे समझ लीजिए आप तो बिल्कुल पीछे नहीं हटना है अपनी मेहनत से ओके इसी के साथ चलते हैं बाय बाय टेक केयर मिलेंगे रात को शाम को नौ बजे तो मेरे साथ तब तैयार रहेगा मॉडरेट टू टफ सेशन में थैंक यू वेरी मच